आप पीछे पीछे नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन से मैं जय किशन मिश्रा और इस समय उत्तर प्रदेश के सैफई गांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास सैफई लाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई जाकर श्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। आपको बताते चलें कि मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में अपराह्न 3 बजे किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक नेताओं ने श्री यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री यादव के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को पिछले 2 अक्टूबर को लो ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी की शिकायत पर मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके निधन का सोमवार को समाचार मिलते ही उनके लाखों प्रशंसक, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शोक की लहर में डूब गए और उनके सम्मान में पार्टी का झंडा झुका दिया गया। श्री यादव के निधन की खबर पाकर बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं का पार्टी राज्य मुख्यालय पर आना शुरू हो गया था। देखते ही देखते पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का तांता लग गया। तमाम लोग उनके साथ की अपनी पुरानी यादों को दोहराते हुए भावुक हो गए। आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर से सैफई के लिए रवाना हो गए हैं। बीमारी के बावजूद आजम खान अपने सबसे चहेते नेता मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए सैफई के लिए रवाना हो गए हैं। संघर्ष के दिनों में आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को नेताजी का नाम दिया था। हाल ही में आजम खान के दिल का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी आजम खान आखिरी बार अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए सैफई पहुँच रहे हैं। वहीं श्री मुलायम सिंह यादव के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी कल सैफई पहुंच रहे हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।